तो गाइस आज से करीबन 6-7 महीने पहले हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट पे वीडियो बनाया था जिस रेस्टोरेंट का नाम था जायका रेस्टोरेंट। और हमारे वीडियो बनाने के 3-4 दिन बाद या एक हफ्ता बाद ही जब वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो बाय द वे गाइस उसी जगह पे एक नया रेस्टोरेंट खुल गया जिसका नाम बहुत ज्यादा यूनिक है, हेसेले मिसेल। पता नहीं कैसा नाम है, क्या सोच कर रखा, कुछ भी नहीं मालूम। बाय द वे अभी देख सकते हैं बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश में भी हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने आए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइस सिर्फ नाम यूनिक होने से नहीं कुछ होता है, खाना भी यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग खाएंगे और आप लोगों को टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। लेकिन गाइस वीडियो शूट करने से पहले बता दूं, मैं हूं शख्स साहब, आप देख रहे हो समीम ब्लॉगर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है यहाँ का किचन वाला एरिया और यहाँ पे जो बिरयानी वगैरह बन रहा है, सुना है यहाँ का बिरयानी जो है बैरकपुर के स्टाइल में बनता है। और ये यहाँ की एक खास बात है कि देख सकते हैं तांबे के हाड़ी में बिरयानी बन रहा है। भाई तांबे के हाड़ी की जो बिरयानी का स्वाद होता है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट के एम्बियंस में और एम्बियंस देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा है और चारों तरफ वॉल पे जो है इस साइड में देख सकते हैं नेचुरल जितने पिक्चर्स है वो लगा दिया है भैया ने और इस साइड में सारे फूड आइटम जो है उसको उतार दिया पूरे दीवार पे और फुली एयर कंडीशनर है एम्बियंस, तो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और ऊपर के साइड में देख सकते हैं झालर वगैरह लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। अगर आप फैमिली लेके आते हैं या कपल्स आते हैं या फ्रेंड्स लोग आते हैं किसी भी वजह से, तो आराम से बैठ के यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। और गाइस यहाँ के सीट वगैरह देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और यहाँ पे आप एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ के खा सकते हैं। काफी सारे रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सीट होती है छोटी छोटी, जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल होकर खाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को खुला खुला से मिलेगा, आप एकदम बेहतरीन तरीके से कंफर्टेबल होकर बैठ के खा सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आज मैं नहीं खाने वाला, कुछ भी नहीं खाने वाला। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, पेट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो आज शमीम भाई अकेले ही खाएंगे और आप लोगों को सारा कुछ रिव्यू देकर बताएंगे। फाइनली खुल गया हमारा बिरयानी का हांडी, देख सकते हैं बिरयानी खुलते ही जो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसमें जो है प्योर देसी घी यूज किया जा रहा है, घर का बना हुआ देसी घी। ओहो भाई साहब देख सकते हैं भर भर के देसी घी डाला जा रहा है और बिरयानी का जो कलर वगैरह है वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब भैया लोग काटेंगे बिरयानी को तब समझ में आएगा इसका कलर क्या है। ये है यहाँ का स्पेशल चिकन का पीस जो बिरयानी में यूज किया जाता है और इसका वेट जो है लगभग 115 से 120 ग्राम के करीब होगा। और ये है यहाँ का आलू, आलू भी बहुत ही बड़े साइज का यूज किया जाता है। बहुत जगह हम लोग बिरयानी खाए हैं जहाँ पे छोटे साइज का आलू यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ का जो आलू एकदम परफेक्ट साइज का है और जो आलू का कलर वगैरह है वो बिल्कुल एकदम बैरकपुर स्टाइल का लग रहा है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे चिकन बारबेक्यू, देखने में तो चाय फ्लेवर का याद आ गया, देखने में तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छे से गार्निश करके दिया है। ऊपर देखिए बारबेक्यू है, कैप्सिकम है, ऑनियन है, एकदम परफेक्ट लग रहा है, कलर वलर एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसका टेस्ट बताएंगे आप लोगों को। ये लिया एक तो पीस, हाँ भाई कमाल का बना है, बहुत अच्छा है, इतना टेस्टी। इसके पहले चाय फेवर में खाया था और उसके बाद यहाँ एकदम परफेक्ट है, इतना अच्छा लग रहा है भाई, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। चाय फेवर में जो स्टार्टर में जो चिकन लिया था जो वहाँ पर खाया था, लेकिन वहाँ पर स्मोकी थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे स्मोकी स्मोकी फील आ रहा है भाई इसका टेस्ट। और ये जो बारिश का मौसम में एक नंबर, इसका प्राइस है 140 रुपीज, 140 रुपीज में पीस मिला है 8 पीस और टेस्ट भी परफेक्ट है, पीस भी परफेक्ट है, दाम भी परफेक्ट है। आप लोग फटाफट आइए खा कर टेस्ट करके देखिए। आप टेस्ट करेंगे बैरकपुर स्टाइल बिरयानी, वो भी हमारा डानकुनी में, प्यारा डानकुनी में। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाएंगे इसमें क्या क्या मिला है। राइस देखिए, राइस तो एकदम परफेक्ट लाइट ही, ज्यादा ऑयल नहीं है, ज्यादा ऑयल नहीं है, लेकिन इसमें देसी घी इस्तेमाल किया है इसीलिए परफेक्ट लग रहा है। और इसका खुशबू भाई परफेक्ट है, मन को छू गया। और ये देखिए ब्राउनी ब्राउनी आलू जो बैरकपुर में एकदम फेमस है, देख रहे हो ना,
एकदम ब्राउनी, और ये मिला है एक तो चिकन लेग पीस, ओ हो जूसी जूसी एकदम परफेक्ट है। और क्या क्या मिला देखिए, सलाद में क्या क्या मिला, प्याज है, खीरा है, और उसके साथ ग्रीन चटनी भाई, ग्रीन चटनी, ये खास करके बैरकपुर में मिलता है भाई। और गाइस इसका क्वांटिटी में जाइएगा तो इसका क्वांटिटी थोड़ा सा मेरे को कम लगा, इसका प्राइस है 120 रुपीज, लेकिन इसका क्वांटिटी थोड़ा सा कम है। सबसे पहले राइस से शुरुआत करते हैं, ये देखिए राइस, झुरझुरे राइस कितना परफेक्ट लग रहा है, इतना देसी घी यूज किया लेकिन परफेक्ट है। तो चलिए इसको टेस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा राइस, भाई क्या टेस्ट है, देसी घी का स्मेल, फ्लेवर, टेस्ट एकदम भर भर के मुंह के अंदर जा रहा है, लग रहा है खाली घी खा रहा हूँ और मोटा हो जाऊंगा खा खा के। अब टेस्ट करेंगे थोड़ा सा आलू, और आलू देखिए, ये देखिए, ये तो मेरा हर टाइम का फेवरेट है, ये देखिए थोड़ा सा प्रेशर दिया और एकदम क्या हो जा रहा है, देखिए बॉयल तो परफेक्ट हुआ लेकिन आलू के अंदर सफेद सफेद है, ज्यादा ब्राउन नहीं हुआ। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसके अंदर क्या गया क्या नहीं गया ये बताएंगे। ऊपर से बैरकपुर स्टाइल मेरे को आलू लगा, लेकिन अंदर मसाला बैरकपुर की तरह नहीं गया भाई, और थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगा आलू के ऊपर, खास राइस तो परफेक्ट है, आलू के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करेगा ठीक हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा चिकन को टेस्ट करते हैं। ओ हो हो, एक बड़े साइज का चिकन लेग पीस मिला है, जो कि इसका वेट है 120 से 130 ग्राम भाई। ये थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दिया खुल के हाथ में, ये देखिए, अरे देखिए अंदर कलर, अंदर कलर व्हाइट व्हाइट है, मसाला ज्यादा नहीं गया। तो जो लोग मसाला कम खाते हो फटाफट आइए इधर का चिकन टेस्ट करिए। ये थोड़ा सा मैं सफेद वाला ही चिकन को टेस्ट करेंगे। लग तो रहा था अंदर मसाला नहीं गया चिकन के अंदर, लेकिन भाई इसमें मसाला कूट कूट के भरा हुआ है, इतना परफेक्ट लगा भाई, इतना परफेक्ट लगा आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो चलिए आप दिखाएंगे आप लोगों को कॉम्बो वाइट, ये लिया थोड़ा सा चिकन का पीस, ये थोड़ा सा आलू, ये एक तो प्याज, ये एक तो खीरा, ये थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन चटनी, सबको मिक्स करके राइस के साथ, और ये जो जाएगा मुंह में पूरा धमाका है। राइस और चिकन के साथ आलू को मिला के खाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आलू के अंदर मसाला नहीं है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.